एवरीवन, माय सेल्फ प्रियंका, असिस्टेंट प्रोफेसर इन नर्सिंग डिपार्टमेंट ऑफ आरपीएमएस। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट हीमोफाइलस। सो फर्स्टली आई एम गोइंग टू ओवरव्यू द हीमोफाइलस। सो हीमोफाइलस इज अ स्मॉल नॉन मोटाइल ग्राम नेगेटिव रॉड्स ट्रांसमिटेड बाय रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद कंटामिनेटेड सेक्रीशंस। नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड ओरल कैविटी। कहाँ पे ये एग्जिस्ट करता है, मतलब नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी ट्रैक में और ओरल कैविटी में। आफ्टर दैट हीमोफाइलस स्पीसीज ऑफ क्लिनिकल इम्पॉर्टेंस। फर्स्ट एच इन्फ्लुएंजा टाइप्स, मतलब स्पीसीज अंडर हीमोफाइलस। फर्स्ट आता है हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा, दैट इज टाइप बी, इज एन इम्पॉर्टेंट ह्यूमन पैथोजन। नेक्स्ट है हीमोफाइलस ड्यूक्रेई, दैट इज सेक्शुअली ट्रांसमिटेड पैथोजन। कैंक्राइड की इससे बेसिकली जो होते हैं उनको कैंक्राइड बोला जाता है। अदर हीमोफाइलस आर नॉर्मल फ्लोरा, दैट इज एच पैरा इन्फ्लुएंजा विच मे कॉज निमोनिया एंड एंडोकार्डाइटिस। नेक्स्ट इज हीमोफाइलस एफ्रोफाइलस, दैट कॉज निमोनिया एंड एंडोकार्डाइटिस। आफ्टर दैट आता है हमारा हीमोफाइलस इजिप्टियस, पिंक आई पुरुलेंट कंजक्टिवाइटस। पिंक आई मीन्स कंजक्टिवाइटस, मेनली जो इसकी वजह से हो जा मेनली जो हीमोफाइलस इजिप्टियस से होता है वो होते हैं पुरुलेंट कंजक्टिवाइटस। आफ्टर दैट आता है हमारा कि हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा कैसा बैक्टीरिया है, ये पढ़ेंगे। तो इट इज़ अ एरोबिक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, पॉलीसेक्राइड कैप्सूल। 6 डिफरेंट सीरोटाइप्स होते हैं इसके, ठीक है। 95% ऑफ इन्वेसिव डिजीज कॉज्ड बाय टाइप बी, दैट इज हिब। उसके बाद आता है इसकी मॉर्फोलॉजी, साइज कितना होता है इसका, 1 to 2.3 and 0.5 माइक्रॉन्स। और इट इज़ अ नॉन मोटाइल नॉन स्पोरिंग ग्राम नेगेटिव रॉड एंड कोकाओ बेसिलस। प्लियोमॉर्फिक ओल्ड कल्चर अपियर एज अ क्लस्टर ऑफ कोकोआ बेसिलरीज फॉर्म इन इन्फेक्टेड स्पूटम। लॉन्ग बेसिलरीज एंड फिलामेंटस फॉर्म इन इन्फेक्टेड CSF, दैट इज मेनिंजाइटिस। मतलब जो मेनिंजाइटिस होता है जब CSF इस बेसिलस से जो भी बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड होता है तो कैसा अपियर होता है, वो लॉन्ग बेसिलरी एंड फिलामेंटस फॉर्म। उसके बाद आता है इसकी मॉर्फोलॉजी, स्टेन विद कार्बोल फ्यूसिन और लोफर मिथाइलिन ब्लू। मोस्टली कैप्सुलेटेड स्ट्रेन, कैप्सूल इंडिया इंक बेट फिल्म एंड क्वेलिंग रिएक्शन। आफ्टर दैट ग्राम स्टेनिंग, तो पिक्चर में शो हुआ कि ग्राम स्टेन CSF सेडिमेंट प्रिपरेशन। फाइन ग्राम नेगेटिव रॉड्स अपीयर है सराउंडेड बाय अ कैप्सूल एंड दैट इज 0 बार B एंड क्लिनिकल डायग्नोज पुरुलेंट मेनिंजाइटिस। मतलब ये जो डायग्राम दी गई है पुरुलेंट मेनिंजाइटिस की है, जिसमें इस वेसलेस की अपियरेंस कैसी है वो शो हुआ है कि ग्राम नेगेटिव रॉड सराउंडेड बाय अ कैप्सूल, एक रॉड्स एक कैप्सूल से सराउंड कर रही हैं, वैसा अपियर हुआ है। नेक्स्ट आता है हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा, ये इसका हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा की अपियरेंस है जो हमने पीछे पढ़ा। उसके बाद आता है इसकी कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी हैं, तो फास्टिडियस ग्रोथ करता है रिक्वायरमेंट। फैक्टर एक्स एंड बी आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ। एक्स इज हैमीन हीट स्टेबल, पॉर्फिरिन्स फॉर सिंथेसिस ऑफ साइटोक्रोम्स, बी वेक्टर हीट लेवाइल, कोएंजाइम्स, निकोटिनामाइड्स, एडिनानिन डाइन्यूक्लियोटाइड्स फाउंड इन ब्लड ऑक्सीडेशन एंड एरोबिक 37 degrees Celsius। So this is all about today's topic. I hope you understood about hemophilus and one form of hemophilus influenza. Thank you so much.